बॉर्बल्स एक 2030 में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है ये द एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टालोन, जेसन स्टेथम डॉल्फ लुंडग्रिन रैंडी कुचूर, मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंटेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इससे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैटम हम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर बर्ल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडेबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियाँ हैं और मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियाँ हैं मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद या फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है ये द एक्सपेंडिबल्स फ्रेंचाइजी का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टालोन, जेसन स्टैथम, डॉल्फ लुनغرिन, रैंडी कुचूर, मेगन फॉक्स, एंडी गारसिया और टोनी जा हैं फिल्म एक्सपेंडिबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडिबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है ये द एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टालोन, जेसन स्टेथम डॉल्फ लंडग्रिन, रैंडी कुटूर मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज़ दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज़ किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेनसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में है करसिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडेबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंड फोबलस एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है द डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जेसन स्टीथम डॉल्फ लुंडग्रिन रैंडी कुटूर मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेनसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर बल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, रैंडी कुटूर, मेगन एंडी गर्सिया और टोनी कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 20 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बचोन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी चा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मज़ाक अधिकांश समय बचाने वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बचौन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टलोन जेसन स्टीथम डॉल्फ रैंडी कुटूर, मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर बल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैटम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी चा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर बल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचाने वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है द डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जेसन स्टीथम डॉल्फ रैंडी कुटूर, मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंस में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं। गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर बल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंड को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजा अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है द डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन डॉल्फ रैंडी कुटूर, मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जॉ है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंस में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बचन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेनसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंड फोबलस एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है द फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जेसन स्टीथम डॉल्फ लुनग्रिन रैंडी कुटूर मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी करसिया और टोनी चा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं करसिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, रैंडी कुटूर, मेगन एंडी और टोनी कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेनसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मज़ाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है द डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जेसन स्टीथम डॉल्फ लुनग्रिन रैंडी कुटूर मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, रैंडी कुटूर, मेगन एंडी गर्सिया और टोनी कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बचन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंड एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बचोन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफल्स में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी करसिया और टोनी चा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं करसिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर बल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचाने वाला है एक्सपेंड फोबलस एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, रैंडी कुटूर, मेगन एंडी गर्सिया और टोनी कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बचन वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है ये द एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टालोन, जेसन स्टेथम डॉल्फ लंडग्रिन, रैंडी कुटूर मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मज़बूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजक अधिकांश समय बचा वाला है एक्सपेंड एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है द डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जेसन स्टीथम डॉल्फ लुंडग्रिन रैंडी कुटूर मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाई और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेनसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और जा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर बल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, रैंडी कुटूर, मेगन एंडी गर्सिया और टोनी कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचाने वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मजाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहन और मैक्स एडम्स ने लिखा है ये का चौथा हिस्सा है, और इसमें सिल्वेस्टर जेसन स्टेथम, है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोब में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता एक्सपेंड फॉर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फोर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफिर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है

नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सी एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं समान्यता पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफ़ी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफोब एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहिन और मैक्स एडम्स ने लिखा है डेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमें सिल्वेस्टर जेसन डॉल्फ रैंडी कुटूर, मेगन फॉक्स एंडी गर्सिया और टोनी जा है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी अपनी भूमिका ली क्रिसमस के रूप में दोबारा अभिनय करते हैं स्टैथम हमेशा एक्शन फिल्म में अच्छे होते हैं और एक्सपेंडफोबल में भी वे कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस प्रस्तुत करते हैं डॉल्फ लुनग्रेन और रैंडी कुटोर भी गनर जेंसन और टोल रोड के रूप में अपनी भूमिका दोबारा निभाते हैं लनग्रेन और कुटोर दोनों अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता मेगन फॉक्स फ्रेंचाइज में नई हैं और वे सीआईए एजेंट सोफिया स्टोन के रोल में हैं फॉक्स अपनी भूमिका में अच्छी हैं लेकिन उनका उपयोग कम किया गया है एंडी गर्सिया और टोनी जा भी फिल्म में समर्थन भूमिका में हैं गर्सिया बुराई के रूप में अच्छे हैं और चा एक सैनिक रूप में अच्छे हैं सामान्यता एक्सपेंड फोर पल्स के अभिनय दल मजबूत है लेकिन अभिनय कुछ खास नहीं है कहानी एक्सपेंड फॉर पल्स की कहानी साधारण और सीधी है एक्सपेंडबल्स को एक निर्दायी डिक्टेटर से एक उग्र वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है फिल्म एक्सपेंडेबल्स की यात्रा को दिखाता है जब वे डिक्टेटर के देश जाते हैं और वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करते हैं कहानी बहुत अद्भुत नहीं है लेकिन यह काफी मनोरंजन है फिल्म एक्शन सीक्वेंसेस से भारी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से चोरियोग्राफर हैं लेकिन कहानी में कई कमियां हैं और मजाक अधिकांश समय बचौन वाला है एक्सपेंडफल एक मध्यम एक्शन फिल्म है इसमें कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं लेकिन कहानी में कमियां हैं मज़ाक अधिकांश समय बच्चों वाला है और अभिनय कुछ खास नहीं है अगर आप एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज के प्रशंसक हैं तो आपको शायद यह फिल्म पसंद आए लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं तो आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं एक्सपेंड फॉरबल्स एक दो में प्रस्तुत अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन स्कॉट वॉग ने किया और स्पेंसर कोहेन और मैक्स एडम्स ने लिखा है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज का चौथा हिस्सा है और इसमेंडेबल्स की कहानी को दिखाता है जब उन्हें एक निर्दयी डिक्टेटर से एक उग्रा वैज्ञानिक को बचाने के लिए किराए पर रखा जाता है एक्सपेंडेबल्स को 22 सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया क्रिटिक्स ने इसे इस नेगेटिव रिव्यूज दिए जिन्होंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्लॉट और ह्यूमर को क्रिटिसाइज किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी असफलता पाए और सिर्फ 100 मिलियन का कलेक्शन किया जबकि उसकी बजट 100 मिलियन थी जेसन स्टैथम भी